तो हम लोग ले करके आ गए हैं, ये देखिए पूरा फुचका। अब चलिए 10-10 बांटते हैं और आज कंपटीशन होगा। तो हम लोग सभी कोई बांट लिए अपना अपना, सब में 10-10 पीस है, है ना, सब थाली में। और रीना का तो पूरा बड़ा बड़ा है, खाने भी नहीं सकेगी इतना बड़ा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कौन सबसे पहले खा सकते हैं और फर्स्ट ला सकते हैं, है ना। चलिए जो भी मिलेगा बस देखा जाएगा। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 चलिए रेडी हो जाइए। चटनी भी दे दे के खाना है। हाँ, ऐसा नहीं कैसे खा जा रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों हम लोग सुबह में ही गए हुए थे 10 ले आने के लिए और अभी 10 ला करके गिरा दिए हैं। और अभी भैया उधर कर रहे हैं, जिधर फंसता था ना चाका वहाँ पर डाल दे रहे हैं। ये वाला डाल देंगे ना तो और पानी नहीं घुसेगा और दबेगा भी नहीं, हाँ, और चक्का भी अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए ये डस्ट को ले आए हैं और अभी गिरा दिए हैं और खाना उना खा करके लग गए हैं काम पे, है ना। चलिए काम कीजिए, हाँ एकदम उधर कर देंगे, देखिए। और अभी ले आएंगे डस्ट और इधर पूरा करेंगे कंप्लीट, पूरा सभी तरफ डस्ट दे देंगे, है ना, ऐसा में दबेगा नहीं और कीचड़ भी नहीं होगा, पूरा फ्रेश हो जाएगा। हाँ इधर दे दिए हैं हम, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इधर दे दिए और खाना खाने चल गए थे। तो देखिए पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देखिए दबेगा भी नहीं, ये सूख जाता है तुरंत, खींच लेता है अंदर। और अभी ट्रैक्टर को यहीं पे खड़ा कर दिए हैं और ये देखिए इधर पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, ये सब में पूरा दे देना है, इधर भी पूरा दे देंगे, जो बचेगा फिर अंदर कर देंगे, है ना। और अभी और एक ट्रैक्टर लेकर आएंगे, जितना हो पाएगा उतना लेकर के आएंगे, है ना। हाँ वो वाला पत्थर वाला है, ये वाला कोयला वाला है, तो ये कोयला डस्ट है तो ये वाला यहीं पे दे देंगे, वो वाला पत्थर वाला है तो उस वाला जोड़ाई हम लोग करते हैं पत्थर वाला में, है ना, क्योंकि बालू इधर बंदी है इसीलिए का। चलिए इधर पूरा देते हैं, ये देखिए भैया इधर दे रहे हैं, हम कोड़ी में पूरा इधर उधर कर देंगे। आप उधर कीजिए, इधर करते हैं ये साइड, इधर भी पूरा कीचड़ हो जाता है पूरा पानी आने के बाद, ये दूसरा मिट्टी है थोड़ा, कीचड़ और नहीं होगा इसमें। इधर भी पूरा दे देते हैं, ये देखिए पूरा इधर गड्ढा है, पूरा इधर डालेंगे, बहुत ही ज्यादा इधर डालना पड़ेगा क्योंकि उठना चाहिए, डस्ट लेकर के ना अभी पूरा अंदर घुसा करके गिराना है क्या, इधर गिरा देंगे तो पूरा मस्त, इधर पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में ले जाएंगे। इधर टीला लोहा भी आ गया, वो हल्ला कर रहे हैं, पूरा एकदम मस्त गाड़ी घुसेगा उसमें, पूरा अभी सॉलिड घुस जाएगा पूरा अंदर, इधर उधर दबेगा ना, जल्दी कीजिए। पानी अंदर चल जाएगा, अब आएगा पानी। इधर पूरा डस्ट को कर दिए, इधर पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए पूरा लेवल भी कर दिए, अब ट्रैक्टर से थोड़ा जमका देंगे और इधर भैया लेवल कर दे रहे हैं, देखिए पूरा अच्छी तरीके से कर दे रहे हैं। और इधर भी दे दिए हैं, देखिए इधर पूरा दे दिए इस साइड, अब वो साइड गिराएंगे और एक गाड़ी लेकर के आएंगे तभी। और इधर भाभी भी देखने के लिए आ गए, कैसा काम हो रहा है। चलिए ठीक है, आप रहिए बैठे हुए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप आज भी उगा हुआ है, लेवल कर देना है, है ना, उसके बाद गाड़ी को पार करेंगे, हाँ बहुत ही ज़्यादा लाएंगे, इधर पूरा सब तरफ दे देंगे ना, कीचड़ नहीं होगा, पूरा अच्छा रहेगा। और उधर बैल रहते हैं वो साइड भी दे देंगे, देखिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, और इधर भी थोड़ा दे देंगे उसके बाद में घुसाएंगे गाड़ी को। चलिए इधर थोड़ा देते हैं, और ट्रैक्टर से अभी पूरा डस्ट को बैठा रहे हैं, पूरा एकदम टाइट कर देंगे क्या, हाँ लीक बना देंगे ताकि फंसेगा नहीं गाड़ी, हाँ फंसेगा नहीं, पूरा एकदम अच्छा हो जाएगा। देखिए इधर भी पूरा दे दिए मिट्टी, ऊपर साइड कर दिए, पूरा एकदम अब बैठेगा, हाँ टाइल्स भी लगाएंगे, देखिए इन लोग जा रहे हैं बकरी लेकर के, हाँ धीरे धीरे गिराएंगे,
इन लोग बोल रहे हैं कि टाइल्स गिराइए और बैठा दीजिए, क्योंकि यहाँ टाइल्स लगाएंगे तो टूट जाएगा टाइल्स। क्या गाड़ी पार होता है तो टाइल्स कहाँ लगाएंगे? थोड़ा दिमाग से भी काम करना है, नहीं तो बोल देंगे कि टाइल्स लगा दीजिए। अब टाइल्स लगा देंगे अब इतना बड़ा ट्रैक्टर को चढ़ाएंगे तो टाइल्स टूटना ही टूटना है, टूटेगा नहीं लेकिन अंदर चल रहा है। हाँ, बोलते हैं कि ढलाई कीजिए तो अच्छा रहता, और ढलाई से ये बढ़िया है ना। चलिए ढलाई भी करेंगे लेकिन पैसा होगा। हाँ, धीरे धीरे करेंगे, एक बाइगे नहीं करना है। चलिए उन लोग बोल रहे टाइल्स लगाइए, देखिए कैसे गाँव के लोग होते हैं। यही वाला से काम चल रहा है तो टाइल्स लगाने का क्या जरूरत है रोड? हाँ, यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। हाँ, रोड में क्यों टाइल्स लगा दें और ढलाई कर दें? हाँ, अभी घर में भी लगाए नहीं है और बोल रहे हैं यहाँ रोड में टाइल्स लगा दीजिए, गजब है। चलिए इधर पूरा बैठा दिए हैं, अब इधर थोड़ा मोड़ा करेंगे और आगे तरफ भी पूरा डस्ट दे दिए हैं। चलिए आदमी तो बोलने का कुछ भी बोल, हाँ इधर गांव के लोग कुछ भी बोल देंगे कि ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन सब धीरे धीरे होता है। क्या चलिए टाइल्स लगाएंगे, उन लोग देखते हैं कैसा बात करते हैं। उन लोग टाइल्स बोल रहे हैं लगाने के लिए, टाइल्स कहाँ लगाया जाता है? लोग जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे अच्छा जगह में, हाँ ताकि इधर मतलब टूटे नहीं, जैसे ज्यादा जोर से नाचने लगे टाइल्स भी टूट जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी चलेगा, रोड रहेगा, कोई घुमाएंगे आएंगे तो वो चढ़ाएंगे तो पूरा टूट ही जाएगा। चलिए सब पूरा जमका देते हैं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इधर भी पूरा टाइट हो गया, देखिए इधर पूरा दे दिए, मस्त एकदम चढ़ जा रहा है। अब देखते हैं लोड गाड़ी कैसा चढ़ता है। क्या एक बार चेक करेंगे और इधर गिराएंगे पूरा ग्राउंड में। ये देखिए उधर भी गिराएंगे, ये देखिए उधर कीचड़ है तो सब पूरा गिरा देंगे और इधर भी गिराएंगे, यानी सभी तरफ गिरा देंगे। चार पांच गाड़ी ले आएंगे, वहाँ पे दो हाइवा फेंका हुआ है, यानी 15 होगा, 15 ट्रैक्टर लेकर के आएंगे है ना, और फिर दे देंगे हो जाएगा। देखिए इधर ही गिराना पड़ा ईंट को, नहीं तो एकदम पूरा उधर ले जाना था और छत के ऊपर चढ़ाना था, क्योंकि सभी तरफ बाउंड्री वॉल करना है। क्या भी मरम्मत कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, सब जुगाड़ लगाएंगे, सब ले जाएंगे अंदर, यहाँ पे गिराएंगे डस्ट, उसके बाद में ईंट लाएंगे। चलिए थोड़ा लगा दिए ना तो ट्रैक्टर भी अंदर में रखेंगे, बाहर में पहले रख रहे हैं। हाँ, पूरा टाइट कर लेंगे, उसके बाद में अंदर ले जाएंगे। सभी तरफ पूरा डस्ट को कर दिए, अब ये साइड ले आएंगे। क्या अगली बार लाएंगे ना तभी यहाँ पे ला करके गिराएंगे, इधर गिराएंगे इधर। चलिए काफी ज्यादा धूप दिया हुआ है, थोड़ा बैठेंगे अब है ना, बहुत ही ज्यादा पसीना ही पसीना हो गया। हाँ, बैठ गए हैं, अब थोड़ा पानी पीते हैं, काफी अच्छा लगने लगा, ठंडा पानी भी है। पानी हम लोग पी लिए, और ये देखिए बत्तख ही सब पूरा इधर तैर रहे हैं वहाँ पे और इधर आ रहे हैं, क्योंकि आज धूप उगा हुआ है ना, तो पूरा टहल टहल करके जाते हैं वहाँ छोटा तालाब में और तैरते हैं और फिर इधर उधर टहलते रहते हैं। और खाना भी दे दिए भैया, देखिए खा रहे हैं खाना, देखिए खाते रहते हैं टहलते रहते हैं। चलिए ये गेट को लगा देते हैं, ये वाला को, क्योंकि इधर नहीं पा रहा हूँ, बत्तख ये सब लगा दिए। और अभी दोस्तों एक फुचका बेचाने के लिए आया हुआ है, तभी फुचका लेकर के हम लोग आते हैं। देखिए लोटा और थाली सब ले लिए हैं, क्योंकि सब अभी ले आएंगे, पानी भी लेकर के आएंगे, फुचका भी और चटनी भी है ना। चलिए और आज कंपटीशन होगा, फुचका कंपटीशन अभी लेंगे 10 टू है ना, कौन जल्दी खा सकता है। हाँ, और अभी देने लगे फुचका, दीजिए 40 पीस दीजिए, देखिए काफी अच्छा अच्छा पूरा फुला फुला वाला दीजिएगा है ना, और ऊपर से दीजिएगा चार। हाँ, वो तो लेबे करेंगे, चार को नहीं ज्यादा लेंगे। चलिए और ये देखिए चटनी भी अच्छा है, और इधर बना भी इमली का मस्त है। चलिए अभी दे रहे हैं, देखिए पूरा भर करके। तो हम लोग ले करके आ गए हैं, ये देखिए पूरा फुचका। अब चलिए 10 तो बांटते हैं, और आज कंपटीशन होगा कि कौन पहले खा पाएंगे 10 तो है ना, 10 बांटते हैं, चार और इधर हम पानी बांटते रहे। हाँ, बांटिए बांटिए, आप पानी बांटिए, चटनी बांटो। हाँ चटनी बांटो, यहाँ पे देंगे चटनी, रुपया में चार चार आठ 10 में 10 हो गए। चलिए आप भी बांटिए उधर और थाली में, हाँ 3 6 9 10 10 यहाँ भी हो गया, वहाँ भी हो गया 10। अब ये सब रहेगा मम्मी पापा के लिए, क्या इधर रख दीजिए।
तो हम लोग सभी को बांट लिए अपना अपना, सब में 10-10 पीस है हाँ ना, सब थाली में। और रीना का तो पूरा बड़ा बड़ा है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं है ना, कौन सबसे पहले खा सकते हैं और फर्स्ट ला सकते हैं है ना, चलिए जो भी मिलेगा बस देखा जाएगा। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 चलिए रेडी हो जाइए। चटनी भी दे दे के खाना है, ऐसा नहीं कैसे खा जा रहा है। तो अभी दो तो भाग गए, चलिए आराम से बैठिए खाइए, चलिए आप चुपचाप चुपचाप खाइए ना। तो अभी कोई अभी खा रहे हैं, देखिए भैया अभी फर्स्ट मारे हुए हैं, चलो जल्दी खाते हैं। अभी सबसे पीछे चल रही है शक्ति, कभी कभी चटनी डालना भूल जाते हैं, इसीलिए आप लोग फर्स्ट मार रहे हैं। चटनी अच्छा नहीं बना दोस्तों, मैं अच्छा बनाया का, आराम से खाना है, पानी भी इतना अच्छा नहीं है ना, कैसे बनाए, गांव के बच्चे पूरा खाएं। हम थर्ड हो गए, खत्म हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चटनी बचा हुआ चटनी खा जाते हैं। तो हम लोग सभी कोई फुचका खा लिए, भैया फर्स्ट हुए और रीना सेकंड और हम थर्ड और भाभी फोर्थ सबसे लास्ट, क्योंकि थोड़ा धीरे खाए ना, एक बार तो पूरा हंसिए आने लगा बहुत ही ज्यादा, इन लोग तो सरक गए पूरा एकदम, इतना ज्यादा हंसी लगने लगा, क्या यही होता है कंपटीशन में, सबसे ज्यादा सर की थी, लेट हो गया इसीलिए पीछे हो गए। तो चलिए हम लोग को काफी अच्छा लगा, और आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय।